तो यार अभी यार रात हो चुकी है और टाइम हो चुका है यार शिनचैन और मेरे एक्शन काम में देखने का। तो यार शिनचैन बिल्कुल तैयार है, मैं भी जा रहा हूं सीधा अपन एक्शन काम में देखते। तो शिनचैन तैयार है ना? अरे है फिकी, मैं बिल्कुल तैयार हूं। तो यार शुरू करते हैं अपनी टीवी और देखते हैं यार एक्शन काम में। लॉस सेंटोस में हो रहा है बहुत ही बढ़िया रैप चैलेंज, अगर आप ये जीते तो आपको मिलेगा इतना सारा गोल्ड, और ये इसलिए क्योंकि इस बार का रैप चैलेंज बहुत ही ज्यादा हार्ड है, तो सोच समझ कर यहाँ पे आना। और आपको, अरे भाई ये क्या हो गया? अबे शिनचैन ये क्यों गए? ऐसे की भी लाइट चली गई। अरे भाई लाइट कैसे चली गई? अबे भाई क्या हो गया भाई, सारी सारी लाइट कैसे चली गई? अबे सिर्फ अपने घर की लाइट गई है शिनचैन, ऐसे की भी ऐसा क्यों? अरे भाई मुझे क्या पता ऐसा क्यों, ऐसे की भी जल्दी चलाओ मुझे एक्शन का भी देखने। अरे भाई यार एक्शन का भी मैं कैसे चलाऊं भाई, यार सिर्फ अपने घर की लाइट गई और सबके घर की लाइट जल रही है। अरे यार ऐसा क्या हो गया यार, ऐसे की भी कुछ तो करो यार। अरे रुक जा क्या करूं क्या करूं। अरे मेरे पास एक आइडिया, मैं वो लाइट वाले को फोन करके फटाफट से पूछता हूं भाई लाइट क्यों हो गई, हमको एक्शन का में देखने। अरे हेलो भाई, अरे भाई यहां पे लाइट क्यों चली गई? अरे तो फ्रैंकलिन बोल रहा है क्या? अरे हाँ मैं फ्रैंकलिन बोल रहा हूँ। अरे 4 महीने से बिजली का बिल नहीं दिया है और देखो लाइट चाहिए, चल फोन रख। अरे पर भाई लाइट तो दो भाई, बिजली का बिल दे दूंगा। अरे फोन ही काट गया, एरिफ की भी क्या हो गया? अरे भाई शिनचैन यार वो अपन ने मैंने लाइट का बिल नहीं दिया ना, इसलिए उन्होंने लाइट काट दी। एरिफ की भी तो जल्दी देखे उन्होंने यार। अरे भाई कहाँ से देखे, मेरे पैसे नहीं है यार। एरिफ की भी आपके पास लाइट के बिल देने के लिए पैसे नहीं है? अरे भाई यार नहीं है पैसे यार, एरिफ की भी आप क्या करेंगे यार, चल चलती है सोते हैं। एरिफ की भी इतनी गर्मी में कैसे सोएंगे? अरे भाई यार सोना तो पड़ेगा भाई, अब कुछ रास्ता नहीं है। एरिफ की भी आइए, आपने क्या कर दिया मुझे एक्शन का भी देखने। A few moments later. एक ही बढ़िया नींद आ गई यार, पर अभी तक यार लाइटें नहीं आई यार, अभी तक यार हम क्या करें यार शिनचैन, मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा। अरे फिकी भाई कुछ तो करना पड़ी करें यार। अरे वही तो शिनचैन मुझे समझ नहीं रहा भाई क्या करें। अरे फिकी भाई काम करते हैं। अरे भाई क्या, अरे फिकी भाई चल के उस रैम चैलेंज में पार्टिसिपेट करते हैं और अपन वो जीत जाएंगे और फिर सारा का सारा इलेक्ट्रिसिटी बिल भर देंगे। अरे भाई अगर शिनचैन अपन वो जीत गए ना भाई इलेक्ट्रिसिटी के बल, अपन नया घर खरीद सकते हैं। अरे क्या नया नया घर? अरे वही तो शिनचैन, अबे ये चौप क्या कर रहा है भाई, अबे तेरे को मना किया ना बाहर जाए क्या कर, आओ फ्रैंकलिन प्रेशर बन रहा था क्या करूं। अरे इसको छोड़ रहा, चल शिनचैन अपन चलते हैं। उससे पहले मैं अपने कपड़े चेंज कर लेता हूं यार, बहुत ज्यादा गर्मी लग रही है इन कपड़ों में, तो फटाफट से पहले मैं चेंज करता हूं और फिर चलते हैं अपन रैम चैलेंज की तरफ। आजा शिनचैन यार लेट हो गए, जल्दी आजा। तो गाइस अभी हमारे साथ शिनचैन बैठ चुके और हम जाने वाले सीधा अपने रैम चैलेंज की तरफ, और इस बार बोल रहा उन्होंने यार बहुत ज्यादा हार्ड रैम चैलेंज, देखते हैं क्या होता है। तो गाइस अभी तक आपने यार वीडियो को लाइक नहीं किया तो फटाफट जाके लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट जाके सब्सक्राइब कर दो, और हम चलते सीधा अपने रैम चैलेंज की तरफ। एनी लेट्स गो, थैंक यू भैया। अबे गांव बसाने भिखारी पे लगे, अबे सारे एवेंजर्स कहां से आ गए? अरे फ्रैंकलिन क्या बात कर रहे हो, ये रैम चैलेंज हमने ऑर्गेनाइज करा है। और गाइस आज के हमारे होस्ट है यार ये बड़े वाले सायरन हेड, अबे देखो तो सही भाई कितना ज्यादा बड़ा है यार। तो यार आज के रैम चैलेंज में तो बहुत ही ज्यादा मजा आने वाला है, और मैं आपको मिलवा देता हूं हमारे कंटेस्टेंट। तो हमारे पास है रेड हल्क, कैप्टन अमेरिका, विजन, हल्क, आयरन मैन, थॉर, स्पाइडरमैन और शिनचैन और मैं। तो गाइस ये वाला रैम चैलेंज यार बहुत ज्यादा हार्ड है, क्योंकि यार हमको अपनी गाड़ी को व्हीली करवाते हुए लेके जाना, ये रैम चैलेंज पूरा कंप्लीट करना है हमको यार, एक ही टायर पे लेके जानी पड़ेगी अपनी गाड़ी, हम दूसरा टायर टच करते हैं हम हो जाएंगे डिस्क्वालीफाई, वो तो अभी आपको पता चल ही जाएगा। तो यार पहले जाने वाले हमारे रेड हल्क। ओए पहले मैं जाऊंगा, ओए मैं ये वाली गाड़ी लेके जाऊंगा, ओए नहीं ये वाली लूंगा, ओए अच्छी लग रही है मुझे, ओए ये भी अच्छी नहीं लग रही, ओए मैं तो इस वाली पे जाऊंगा। अरे भाई ये तो गाड़ी में सेलेक्ट नहीं कर पा रहा, ये क्या जीतेगा? चलो यार इसने गाड़ी आखिरकार सेलेक्ट कर ली थी। ओए चलो 3-2-1 गो बोलो रे। तो गाइस चैलेंज स्टार्ट होते हैं यार, ये अपने पहले वाले जो आगे वाला टायर है उसको नीचे नहीं ले सकता, अभी तो स्टार्ट हुआ नहीं, अभी बस इसको स्टार्ट करने वाले, और लगता है इसने स्टार्ट भी कर लिया। अरे भाई इसने स्टार्ट कर लिया क्या, और ये जाए जा रहा सामने सीधा, और ये क्या कर लिया, अरे पागल अबे बिल्कुल दिमाग नहीं है भाई। रेड हल्क हो चुके डिस्क्वालीफाई, इन्होंने बिना स्टार्ट करे जाके खुद चुके यानी मर चुके यानी हो चुके डिस्क्वालीफाई। अरे अब मेरी बारी है, अब मैं जाऊंगा। तो गाइस अब जाने वाले हमारे कैप्टन अमेरिका, देखते हैं हमको ये क्या करके दिखाते हैं। अरे मैं कौन सी गाड़ी लूं ऐसा बन यार, चलो ये वाली गाड़ी ले लेता हूं। तो अभी कैप्टन अमेरिका अपने अपनी गाड़ी सेलेक्ट कर ली है, और अब ये जाएंगे और इनको एक ही व्हील में अपनी गाड़ी चलानी पड़ेगी। तो यार बिना किसी देर के शुरू करता है ये रैम चैलेंज। अरे देखना मैं क्या करके दिखाता हूं। तो गाइस यहां पे हमारे कैप्टन अमेरिका की रेस शुरू हो चुकी है, और ये जाते हुए सीधा क्या ये वाला पार कर पाएंगे, और यहां पे ये धीरे धीरे कर रहे हैं अपनी गाड़ी को चला रहे हैं, और ये नीचे गए, और ये कैप्टन अमेरिका हो चुके हैं डिस्क्वालीफाई। अरे भाई मैं तो बोल रहा हूं तुम सबके सब घर चले जाओ, क्योंकि यार ये मैं रैम चैलेंज मैं जीतने वाला हूं, तो बहुत ही इजी है भाई, बस व्हीली तो करनी है, एक टायर में आराम चला के पूरा का पूरा रैम चैलेंज खत्म कर दूंगा, बहुत ही ज्यादा मजा आने वाला है। तो गाइस अभी मैं चलता हूं, तो अब 3-2-1 गो बोलो, 3-2-1 गो। और ये मैं चला अपनी गड्डी लेके, मेरे को बिल्कुल टायर नीचे नहीं कर रहा, आप देख सकते हो मेरा टायर बिल्कुल हवा में पहले वाला, तो यार मेरे को उसको फटाफट से पार करना होगा, इजीली पार करेंगे। और भाई ये तो बहुत ही ज्यादा ऊपर है, और मैं पहुंच गया,
अरे भाई साहब, तो यार आप सोच रहे होगे कि यार मैंने अपने दोनों टायर यहाँ पे कैसे रख दिए। तो यार अभी यहाँ पे मैं रख सकता हूँ, फिर वापस से अभी अपनी प्लेन रोड या छोटी सी रोड चालू होने वाली है, मेरे को वापस यार व्हीली करते हुए बिल्कुल सीधा डायरेक्ट जाना है और अपन को करना है अपना रैंप चैलेंज कंप्लीट, और वो हम इजीली कर लेंगे। पर यार ये बहुत ही ज्यादा ऊपर है यार, यहाँ से देखने में लगता नहीं है, पर यार ये बहुत ही ज्यादा ऊपर है। तो अपनी करते हैं, अपन ये व्हीली अपन ने कर ली है। अरे भाई यार मैं ध्यान नहीं दिया, मैं नीचे आ गया यार, शिट यार ये मैंने क्या कर दिया यार। तो यार मैं भी हो चुका हूँ इस रैंप चैलेंज से डिस्क्वालीफाई, अब सारे शिनचैन तेरे पे उम्मीद है। तो गाइस सर अब आ रही है विजन की, यार ये देखते हैं ये क्या करके दिखाते हैं। अरे इसको क्या हो गया? अरे भाई इसको क्या हो रहा है, क्या मिर्गी पड़ रही है? इसको मारो चपले। अरे इसको छोड़ो यार। तो भाई सर ये जा रहे अपनी गाड़ी लेते हुए फुल स्पीड में भगाते हुए अपनी गाड़ी चला रहे, क्या ये कर पाएंगे? इनका टायर बिल्कुल जस्ट एज पे, जैसे थोड़ा सा भी हल्का टच हुआ और ये हार जाएंगे। और इन्होंने यार ये पहला वाला तो कंप्लीट कर लिया, ये तो मैंने भी कर लिया था, पर दूसरा वाला देखते हैं कंप्लीट कर पाते कि नहीं। और ये फुल स्पीड में जा रहे हैं और ये क्या कर लिया इन्होंने यार अपना दूसरा टायर भी टच कर दिया इधर उधर। तो यार ये हो चुके डिस्क्वालीफाई, क्योंकि यार उन्होंने अपना पहला वाला टायर टच कर दिया। तो यार विजन भी हो चुके डिस्क्वालीफाई। उसके बाद गए हमारे हल्के, उन्होंने बहुत ही बड़े वाला प्रदर्शन किया, उनकी मस्त एक ही टायर पर उन्होंने अपनी गाड़ी चले और बहुत ही ज्यादा आगे पहुंच गए। ये मैं जीत गया, मैं जीत गया, नाचो नाचो, देखो मैं जीत गया। अरे भाई तो जीता नहीं है, और भाई यार अपने हल्क में खुदा लिया और ये सीधा गए पानी में। अब यार ये डिस्क्वालीफाई हुए कि नहीं मुझे समझ नहीं आया। अरे नहीं नहीं मैं डिस्क्वालीफाई नहीं हुआ, देखो देखो मैं तो जमीन पे हूँ, मैं कहा पानी में क्या, मैं तो जमीन पे हूँ। अरे जमीन पे हूँ ना मैं। अरे हेल तुम टेंशन मत लो, मैं तुमसे ज्यादा दूर जाके ये सारा का सारा सोना जीत जाऊंगा, फिर मैं गाऊंगा सोना सोना बाबा सोना सोना, ये सारा का सारा सोना मेरा होगा। तो गाइस अगर यार आयरन मैन को जीतना है तो दूसरे में जाते हुए और ये आयरन मैन डिस्क्वालीफाई होते हुए। अरे रुको रुको, अभी मैं डिस्क्वालीफाई हुआ नहीं हूँ। अब ये क्या करेगा, अब कहाँ जा रहा है? अबे भाई ये कौन सी, ये तो चीटिंग है। अरे इसको डिस्क्वालीफाई करो। अरे ऐसे कैसे डिस्क्वालीफाई करोगे? अरे नहीं नहीं भाई, अरे आयरन मैन हो चुका है डिस्क्वालीफाई, और अरे आयरन मैन अपनी गाड़ी से गिर चुका है, तो इसको करते हैं डिस्क्वालीफाई। उसके बाद गए थॉर, उन्होंने बहुत ही बढ़िया प्रदर्शन किया, वो पता नहीं कैसे बचते बचते उड़ते उड़ाते पता नहीं कैसे पहुंच चुके हैं यार। और आखिरकार हमारे थॉर भी गिर चुके हैं। अरे ये कहां जा रहे? थॉर इतनी आसानी से नहीं मर सकता, थॉर ओडिन का बेटा है, देखो मैं जीत गया। और क्या ये हल से आगे जा पाएगा? और सीधा पानी में क्रैश लैंडिंग कर लिए इसने, क्या इसने हल से आगे गया है कि नहीं? और नहीं भाई ये तो बिल्कुल साथ साथ में गिरे। अरे तू मेरे पास में क्यों गिरा? थॉर को मत मार, वरना मैं तुझे बहुत मारूंगा, मैं बिजली का देवता हूँ। अरे इनको लड़ाई करने दो, ये मैं रैंप चैलेंज आराम से जीत जाऊंगा, इनसे बहुत आगे चला जाऊंगा, क्योंकि मैं तो मकड़ी हूँ ना, और मुझे पता है शिनचैन ये वाली गाड़ी लेके जाने वाला है, इसलिए मैं ये वाली गाड़ी लेके जाऊंगा, ये आराम से व्हीली करती है। अरे भाई सब शिनचैन ऐसे तो तेरा आइडिया चुरा लिया, अब तू क्या करेगा? अरे विक्की भाई कोई बात नहीं, आइडिया से कुछ नहीं होता, गाड़ी चलानी आनी चाहिए। अरे देखो ये तो गिर भी गया। अरे भाई स्पाइडरमैन गिर चुके थे, पर इन्होंने बूझ से वापस आने की ऊपर कोशिश करी है, क्या हमारे स्पाइडरमैन ढंग से लैंड कर पाएंगे? और नहीं, स्पाइडरमैन लैंड नहीं कर पाए, यानी स्पाइडरमैन हो भी चुके हैं डिस्क्वालीफाई। अरे विक्की भाई मेरे पास एक बहुत ही बढ़िया आइडिया। और भाई शिनचैन कैसा क्या आइडिया तेरे पास? अरे विक्की भाई रुको तो सही, मैं ये वाली गाड़ी पे जाऊंगा। तो गाइस अब देखते हैं शिनचैन क्या करके दिखाता है, वो बोल रहा है उसके पास एक बहुत ही बढ़िया आइडिया है, तो शिनचैन शुरू कब करना बताइए। अरे विक्की भाई कर दो स्टार्ट। अरे ठीक है स्टार्ट करते, 3 2 1 और ये शिनचैन जाते हुए, अरे ये क्या कर रहा है? अबे ये क्या कर रहा है? अबे ये क्या कर दिया शिनचैन ने? अरे अरे भाई लैंड करेगा क्या? अरे भाई साहब शिनचैन ने तो लैंड कर दिया। अरे विक्की भैया मेरा आइडिया काम करके देखो देखो। अरे भाई साहब शिनचैन बहुत ही बढ़िया आइडिया था यार ये तो। अरे थैंक यू विक्की भैया। तो गाइस यार यहाँ से शिनचैन रेस कंटिन्यू कर सकता है, क्योंकि यार यहाँ पे जो नीचे की साइड जहाँ की तरफ है सबके सबके टायर नीचे आ जाते हैं, तो अभी शिनचैन के भी टायर नीचे आ गए, तो कोई दिक्कत नहीं होने वाली। क्या यार शिनचैन पहुंच पाएगा हल्क और थॉर से आगे? तो यार शिनचैन जीत सकता है और हम ले सकते हैं एक नया नया घर। और ये शिनचैन ने अपनी गाड़ी खुद लिए और ये आराम से पहुंच चुका है हल्क और थॉर से आगे, और ये तो बिल्कुल पहाड़ी पे मस्त यार लैंड कर पाएगा। नहीं आ जाओ देखते हैं। अरे विक्की मैं देखने के बढ़िया लैंड करता हूँ। अरे लग गई रे। अरे भाई शिनचैन तो यार गिर जा रहा है। अरे भाई शिनचैन उनसे पीछे मत चले जाइयो। अरे विक्की मैं कैसे रुकूं? अरे रुक जा, अरे रुक जा, अरे रुक जा, अरे रुक जा भाई शिनचैन। अरे विक्की मैं रुक गया। अरे विक्की मैं रुक गया।
तो गाइस यार यहाँ पे एक बहुत ही गलत सीन हो चुका है, क्योंकि यार शिनचैन गया था कुछ अलग ही तरीके से शॉर्टकट लेते हुए और हल्के यार थॉर बिल्कुल एकदम सेम ही जगह पे आए। अरे आप बताओ भाई हमें करना क्या चाहिए? अरे जानी मुझे क्या पता, जो तुमको करना है कर लो। तो गाइस यार ये तीनों लड़ रहे हैं कि भाई कौन जीता क्या जीता कुछ समझ नहीं आ रहा यार, हम क्या करें समझ नहीं आ रहा बिल्कुल भी। अरे फिक्र मत, कुछ भी करो मुझे पैसे चाहिए। अरे नहीं थॉर को चाहिए पैसे, अरे नहीं नहीं हल को चाहिए पैसे। अरे रुको रुको यार मैं कुछ सोचता हूँ यार, मैं कुछ सोचने दो। तो गाइस यार मेरे पास एक बहुत ही बड़ी आइडिया है, क्यों ना आप बताओ कि कौन जीता। आप यार फटाफट जाके कमेंट बता दो कि आपको क्या लगता है कौन जीता, थॉर हल क्या शिनचैन, फटाफट जाके कमेंट में बता दो। मैं देखूंगा कमेंट्स में और जो भी जीतेगा मैं उसको सारे के सारे ये गोल्ड दे दूंगा, तो फटाफट जाके कमेंट बता दो। तो गाइस यार आज की वीडियो से इतना ही, अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बता कैसी लगी वीडियो फटाफट जाके बता दो यार कौन लगता है आपको विनर है। और गाइस यार इंस्टाग्राम और डिस्कॉर्ड करें डिस्क्रिप्शन फटाफट जाके ज्वाइन और फॉलो कर लो। और गाइस मैं मिलता हूं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।